शांति के लिए प्योरिटी जरूर चाहिए। प्योरिटी इज डेफिनेटली नीडेड फॉर पीस। जहां पवित्रता होती है वहीं सुख शांति होती है। Where there is purity, there is happiness and peace. अगर पवित्रता नहीं है तो सुख शांति हो नहीं सकती। If there isn't purity, there can't be happiness and peace. इसलिए यहाँ पवित्रता की बात पर ही झगड़ा होता है। This is why here quarrel takes place only because of purity. बाप कहते हैं कि पवित्रता धारण किए बगैर तुम्हारे करैक्टर से सुधर नहीं सकते। The father says, until you assimilate purity, your character can't be reformed. अर्थात तुम देवता बन नहीं सकते। That means you can't become a deity. सुधरे हुए करैक्टर्स वाले देवता पावन कहलाते हैं। The deities having reformed character are called pure. और तुम तो पतित कहलाते हो। And you are called impure.